मैंने ट्राई किया कृति सैनन का ब्रांड और उसका फेवरेट सनस्क्रीन हाइफन का सनस्क्रीन और मॉइस्चराइजर टू। कैसा रिजल्ट मिला चलिए बताती हूँ। प्रोडक्ट्स का पूरा डिटेल दूंगी और ये भी बताऊंगी कि कहाँ से परचेज करने पे आपको थोड़ा सस्ते में मिल जाएगा ये प्रोडक्ट। तो वीडियो को पूरे एंड तक देखना और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ये है हाइफेन का सनस्क्रीन एंड मॉइस्चराइजर टू। ये 50 ml का है और इसकी पैकेजिंग बहुत ही अच्छी है। इसके पैकेज पे आपको सब डिटेल्स मिल जाएंगे, फिर भी मैं आपको बता देती हूँ इसे यूज कैसे करना है, कब यूज करना है। और अभी तक मैंने जितने भी सनस्क्रीन यूज किए हैं उसमें से मुझे ये काफी बेस्ट लगा। इसमें इंग्रेडिएंट्स आपको मिल जाएंगे ककाड़ू प्लम, नायसियामाइड और कॉजिक एसिड, सेरामाइड्स। ये सारे हमारी स्किन के लिए बहुत ही अच्छे और यूजफुल होते हैं। ये फ्रेग्रेंस फ्री है, पैटा सर्टिफाइड है, पैराबिन फ्री है और अल्कोहल फ्री है। इसका प्राइस वैसे तो 449 है बट अमेजोन से मैंने परचेज किया है तो ये 404 में मुझे मिल गया है। अभी अगर अमेजोन से परचेज करो तो आपको 404 में मिल जाएगा। इसे मैं आपको अप्लाई करके भी दिखाऊंगी बट ये बता दिखा दूं कि आपको इसके पैकेजिंग के अंदर ऐसा सैसे में मिलेगा आपको सनस्क्रीन। ये सनस्क्रीन तो है, इसमें मॉइस्चराइजर भी है तो ये दोनों का काम करता है, इसलिए मैं सिर्फ फेस वॉश करके टोनर अप्लाई करके डायरेक्ट इसे अप्लाई कर लेती हूँ। और आपको अप्लाई कैसे करना है, कम से कम आपको 2 फिंगर पे पूरे लेयर बना लेने हैं, देन इसे डैब डैब करके अप्लाई करना है। मैं वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और ज़्यादा क्वांटिटी में आप 3 फिंगर पे इसका लेयर बना लेना। आप अपने फेस पर जितना ही सनस्क्रीन अप्लाई करोगे उतना ही अच्छा रहता है। साथ ही फेस के साथ ही आपको नेक एरिया और ईयर एरिया पे भी आपको अप्लाई करना है सनस्क्रीन को। और अगर आप कहीं बाहर जा रहे हो तो आपको 15 मिनट पहले ही ये सनस्क्रीन अप्लाई कर लेना है, देन आपको बाहर जाना है। नाउ यू कैन सी मैंने कैसे यूज़ करा है, आपको भी ऐसे ही यूज़ करना है। और इसे अप्लाई करने के बाद इसमें वाइट कास्ट भी नहीं है। अप्लाई करने के बाद ये आपको फेस और ग्लो करता जाएगा और ग्लो करता जाएगा और ग्लो करता जाएगा। तो मुझे ये सनस्क्रीन बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। और अगर आप भी सनस्क्रीन कोई चूज़ करना चाहते हो, आप लोगों को बेटर सनस्क्रीन नहीं मिला तो मेरे कहने पे एक बार इसे यूज़ ज़रूर करना, बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा आपको। और प्लीज़ पीछे के नॉइज़ को अवॉइड करना क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा इरिटेट हो चुकी हूँ बट आई हैव नो ऑप्शन। बाय द वे आपका इस सनस्क्रीन के बारे में क्या ख्याल है कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं। और अब मैं इसे डेली यूज़ करती हूँ। और अगर आप चाहो तो सीरम और मॉइस्चराइजर के बाद भी आप इसे अप्लाई कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मैं ऐसे ही अप्लाई करती हूँ। हाइफेन का ब्रांड या फिर यू कहेगी कृति सैनन का ब्रांड जो है बहुत ही अच्छा है, ट्रस्टेड भी है, आप लोग इसे यूज़ कर सकते हो। और फेस पर लगाने के बाद जो भी हमारे हाथों में रह जाता है उसे हम अपने हाथों पे अप्लाई कर लेंगे फिंगर एरिया पे। बहुत ही अच्छा अच्छा स्किन लग रहा था, सॉफ्ट सॉफ्ट लग रहा था और शाइनी लग रहा था, आप लोग देख सकते हो। तो आप लोग ये सनस्क्रीन ज़रूर परचेज करना, इसके आपके स्किन पर कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होंगे, टीनेजर्स भी इसे यूज़ कर सकते हैं। देन मैं घर में ही रहूँगी, कहीं बाहर नहीं जाने वाली हूँ तो अप्लाई कर लूँगी लिप बाम, तो मेरा स्किन क्लियर और लिप क्लियर हो गया। तो वीडियो को एंड करते हैं। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। नाउ इट्स टाइम टू बाय बाय।